टेलीविज़न की जानिब से मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं आप सबको आज की तकरीब में खुशामदीद कहूँ। मेरे को होस्ट डॉक्टर उमर आदिल इसी एजाज़ के हकदार करार पाए हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको पता है कि आज जिस यकता और आला फनकारा के बारे में ये तकरीर हो रही है, आप सब जानते हैं कि वो हमारे लिए, हमारे तमाम मुल्क के लिए बायस फ़ख्र हैं। हमारे साथ आज इस तकरीब में निगरान वज़ीर बराए इत्तलाआत और नशरियात भी मौजूद हैं। इट इज़ इंडीड अ प्लेजर टू होस्ट अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी मलिकाए तरन्नुम नूरजहाँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, we would also like to welcome the secretary information and the managing director of pakistan television. khawateen o hazrat, aaj ki taqreeb pakistan television corporation ne darasal madam malika tarannum noor jahan ke aitraaf e fun ke taur pe munaqqid ki hai. khawateen o hazrat, madam ke gale se uthne wali har sada darasal pyar se munawwar aur mamoor thi. wo pyar jo unhe apne फ़न गायकी और मौसीकी से था, वो प्यार जो उन्हें आप सब से यानी कि अपने परस्तारों और हम वतनों से था, वो प्यार जो उन्हें अपनी धरती इस ज़मीन और अर्ज़ पाकिस्तान से था, और वो प्यार जो उन्हें इस ज़मीन के रखवालों से था. खुद मादाम ने जब ये गीत गाया सदा हूँ अपने प्यार की, तो गोया इसी हकीकत पर अपनी मोहर सब कर दी. आइए थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि हुस्ने इत्तफाक आज की शाम क्या है. उसने तफाक ये है कि 23 दिसंबर 2000 मादाम की बरसी यानी कि उनकी वफात का दिन है, और आज मादाम की 23वीं बरसी है, और 23 दिसंबर भी है, और 21वीं सदी का ये 23वां साल भी है. लोग मुझे एक बात पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, ये बताइए कि फलां गुलूकारा कैसा गाती हैं. मेरा एक ही जवाब होता है कि जैसा आप सुनते हैं. कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दाद और तहसीन जो आपकी तरफ से मिलेगी वही गाने वाले का हौसला बढ़ाएगा. बल्कि गाने वाले का क्या, हम दोनों का हौसला भी वही बढ़ाएंगे या नहीं? ये आपने जो तालियां बजाई हैं अपने जिंदा दिल होने का सबूत दिया है, अपने फन परवर होने का सबूत दिया है, और मादाम के आशिक होने का सबूत दिया है, और ये आशिकी खासी काबिल फख्र चीज़ है. जी फरियाद. पाकिस्तान टेलीविज़न ने आज की तकरीब के लिए खुसूसी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है. प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इसे देखें. 21 सितंबर 1926, कसूर के एक मौसीकार घराने में एक हसीन और जमील लड़की ने जन्म लिया. एक बार गाना सुनती हूँ, दूसरी बार वो मेरा होता है. एक बार आपका है, दूसरी मर्तबा वो मेरा है. और रोशन आरा भाई मुझे कहती थी, बेटी भाई बेटे, आप तो ब्लॉटिंग पेपर है, वो स्याही चट है. 1935 से 1940 तक बेबी नूर जहां ने बतौर चाइल्ड स्टार 13 फिल्मों में गुलूकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाए. इस दौर में एक के बाद एक बेबी नूरजहां के गाए हुए गीत दूसरे फिल्मी गानों पर बाजी ले जाने लगे. मास्टर गुलाम हैदर साहब के लिए कहना चाहती हूँ, हकीकत की तो ये बात है कि मैं फिल्म लाइन में भी जब से आई हूँ उन्हीं की शागिर्द हूँ. उन्होंने ही मुझे माइक पे खड़े होना बताया है, मुझे अल्फाज कहने गाते हुए बोल गिरना बताया है. वो पाकिस्तान के लिए क्या, वो तो जहाँ तक के नगमा और मौसीकी का ताल्लुक है, गाने का ताल्लुक है, वो तो एक मलिका आलम है. दुनिया में ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई आर्टिस्ट इतना वर्ड स्टाइल हो जिसमें इतनी सारी खूबियां एकदम से किसी एक इंसान ने, ये कुदरत खुदा की है.
इतनी सुरीली, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह, और फिर इतनी खुश लिबास और इतनी खुश गुफ्तार, हर चीज़ उनके अंदर है। जो भी गाना आप ले लें उनसे गवाएं तो वो वही एक्सप्रेशन ऐसे देती थी कि वाह वाह, जैसे माइक से बातें कर रही। एक फनकार को यही तो उसके फन की तारीफ है कि एक ही अंदाज में तो नहीं ना, गजल भी और गीत भी और पंजाबी गाने भी। मसलन मैं गाऊँ मुंडिया सियालकोटिया तो उसमें मैं गजल की नाजुक बारीकियाँ तो उसमें नहीं शामिल कर सकती, उसको उसी में साख्ती से गाना चाहिए जैसे कि वो जबान है। कल्ली कल्ली जान दुख लखते करो मैं मैडम नूर जहाँ को सिर्फ मैडम नूर जहाँ नहीं कहती बल्कि उन्हें मैं नूरे जहाँ कहती हूँ। मैं तो अकीदतन भी उनको मानता भी हूँ बल्कि जानता भी हूँ। जानना और मानना, जानकर मानना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे सामने मेरी बेटी गा रही होती, जो कि बेचारियों को मैंने गाना ही नहीं सिखलवाया, अगर गाती होती तो मैं ये चाहती कि ये तान मुझसे अच्छी ना कहे, मैं कहूँगी। तो ये मैं तो इतनी गैरतमंद हूँ। पीटीवी को ये एजाज हासिल है कि शायद ही किसी के पास इतने गाने मौजूद हों जितने पीटीवी के पास मैडम के गाने, जो उन पे अब खुद पे पिक्चराइज हुए हैं फिल्म से हट के। जो मौसीकी को खूबसूरत रंग जो दिया उन्होंने, उससे इतने हम मुतासर थे और इतना हर वक्त उनके सुरों में खोए रहते थे, जो उनके गाने आने और उनको फिर जो याद करना, जो उनके अंदाज से गाना, तो वो तो खैर वो खुद ही थी, लेकिन थोड़ी सी कॉपी करते हुए भी फख्र महसूस होता था। वो गाती तो रूह के अंदर जैसे फूल से खिल जाते थे, कौसे कज़ा के रंग थे जिसने उसके सुर में मिल जाते थे। इंसान बहुत बेबस है अपने खुदा के सामने, और ये याद रखना चाहिए कि अगर इंसान दुनिया में आया है तो कुछ अपनी यादें छोड़ जाए, नेकी की भी, और अगर वो फनकार बनना चाहता है तो इतनी मेहनत करे, इतना बड़ा फनकार बने कि अपनी मिसाल आप बन जाए। हमारे साथ बाकिर अब्बास साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जो हमारे मुल्क के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जाने माने फ्लाउटिस्ट या बांसुरी नवाज हैं। उनको तमगा हुस्न कारकर्दगी भी मिल चुका है और अभी बहुत सारे और तमगे उनके मुंतज़िर हैं। बाकिर आइए। आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपने मदाम के साथ बहैसियत बांसुरी नवाज काम किया था। ये मुझे खुदाए बुजुर्गो बरतर का बड़ा एहसान है, मुझे इन बड़ी शख्सियात के पास बैठने का शरफ मिला, इनको देखने का, उनसे सीखने का। मैं यही शुक्र अदा कर सकता हूँ खुदा का इसका, इसके अलावा मेरे पास। लेकिन कोई ख़ास बात जो आप इस महफिल के साथ शेयर करना चाहें उस तजर्बे के हवाले से? बतौर एक मौसीकी का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते, जो मैंने अपने असातिज़ा से सीखा भी है और दुनिया को सुना भी और देखा भी, उनके जैसे सुर की पुख्तगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की मौसीकी में बहुत कम लोगों के हिस्से में आई है। उनका आखिरी गाना भी जो था वो मुकम्मल सुर में था, उनका पहला गाना भी मुकम्मल सुर में था। आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे क्योंकि अभी भी खासे छोटे हैं। हाँ जी, मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था। उस वक्त आपकी क्या उम्र थी जब आपने? 13 साल का था मैं उस वक्त। और बांसुरी नवाज का काम किया आपने? तो किस उम्र में आपने शुरू किया था? बस 12 साल की एज में शुरू कर दिया था। और उस एक साल के अंदर अल्लाह ने आप इतने काबिल हो गए थे कि आप? काबिल तो अभी भी नहीं हूँ, किसी भी आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे प्यार करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्रिया बाकिर। बहुत शुक्रिया बाकिर अब्बास। मादाम के दो गीतों की धुनें आपको सुनाएंगे। दरअसल ये एक
खिराज है जो हम मदाम के मौसिकारों और साजिंदों को पेश करना चाहते हैं। हर कोई मदाम की तरह गाने की तो कोशिश करता है, मगर जब तक उन लोगों की तरह बजाया ना जाए तो तासुर नहीं बैठता।
आप जानते हैं कि बरसगीर में दर्जनों जुबानें बोली जाती हैं और दर्जनों जुबानों में फिल्में भी बनती हैं, मगर हमारा जो लिंगुआ फ्रांका ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल सिनेमा है वो उर्दू है, और बहसियत एक प्लेबैक सिंगर के मादाम ने जाहिर है कि उर्दू फिल्मों के लिए बहुत सी प्लेबैक सिंगिंग की है। अच्छा, बात यह है कि जब इतने नगमे गाए जाएं तो ज़िंदगी की हर कैफियत का एक मज़र वहाँ पे मौजूद होता है। खुशी के नगमात हैं, वफूरे वसल के नगमात हैं, मसाइब कर्ब और हिजर के तमाम नगमे शामिल हैं। आप ही कहिए, याद करें आप, क्या पहली मोहब्बत आपने मैडम के नगमात पे नहीं की? हल्का हल्का सर हिला रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। आप फरमाइए, जब वो रूठ गए थे तो जो आठ आठ आंसू रोया करती थीं, क्या मादाम के नगमों को लगा के नहीं रोती थीं? हाँ, कि जब भी कभी ऐसा वक्त आया कि जोश व वलवला चाहिए तो हमने किसके तराने और किसके कौमी नगमे सुने। ख़वातीन व हज़रात, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट जस्ट अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव सॉन्ग्स ऑफ मैडम्स उर्दू प्लेबैक सिंगिंग फॉर टुनाइट्स फंक्शन, मगर हमारे प्रोड्यूसर्स की अकल को दाद देने को दिल करता है कि उन्होंने इन नुमाइंदा नगमात को चुना जो उर्दू के चंद बेहतरीन मौसिकारों ने मादाम के लिए तैयार किए। आज हमने खैबर पख्तूनख्वा से एक नौजवान नौखेज गुलकारा को यहाँ मधु किया है। आपने खैबर पख्तूनख्वा सुनते ही सोच लिया कि शायद लहजे में या तलफ़ुज में इलाकाइयत का खूबसूरत रंग हो, मगर आप जब उनको सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भाई क्या उम्दा लहजा, क्या उम्दा तलफ़ुज है, और उनका इंतखाब भी कितना मौजू है। मैं दावत देता हूँ हमारी इस महफिल की पहली गुलकारा सितारा यूनुस साहिबा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपके सामने मैडम के चंद उर्दू फिल्मी गीतों को एक लड़ी में परो के पेश करें। सितारा तशरीफ लाइए, और जब तक सितारा आ रही हैं, अपनी कुर्सी ले रही हैं, कई लोग इनको पहली दफ़ा सुनेंगे मगर पाकिस्तान टेलीविज़न के हुस्ने इंतखाब को यकीनन दाद देंगे।
हज़रत मादाम नूर जहाँ का पंजाबी फिल्मों के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक था और बड़ी इब्तदा से था। आप में से बहुत सारे लोग चूँकि जानकार हैं, ये जानते होंगे कि मादाम की जो पहली फिल्म थी वो कलकत्ता में बनने वाली शीला उर्फ पिंडी कुड़ी थी, जिसमें मादाम ने बहसियत अदाकारा और गुलकारा अपना पहला गीत गाया। और फिर जो सात दहाइयों पर मुहित उनका करियर है, उसमें कई नस्लें मौसीकारों की उनके साथ काम करती रहीं और वो कामयाब पंजाबी फिल्मी गीत आपके सामने पेश करते रहे। आज अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे, सिर्फ दो ऐसे मौसीकार हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुतहर्रिक हैं, जिन्होंने मैडम के साथ कई दफ़ा काम किया। उनमें से एक उस्ताद ताफू साहब हैं और दूसरे जनाब जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब हैं। हमारी खसूसी सिफारिश और फरमाइश के ऊपर और पाकिस्तान टेलीविज़न की दावत पे हमारे साथ आज की प्रोग्राम में जनाब जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब मौजूद हैं। आपकी तालियों में और आपकी तालियां बजाएं, कितने बड़े फनकार को मैं यहां बुला रहा हूं। तशरीफ लाते हैं जनाब जुल्फ़िकार अली अत्रे साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुई पीटीवी से कि जिन्होंने मैडम नूरजहां के लिए ये ट्रिब्यूट पेश किया। ये जितने भी बड़े लोग हैं हमारे, कर कर जम्मन चिड़िया ते कर कर जम्मन का, कर कर जम्मन चिड़िया ते कर कर जम्मन का, विरले घरां विच जम्मदे हंस जिन्हां दे नाम। हंस लोग होंगे। मैंने कहा मेरे जो गाने हैं मैडम जाइए के, मैं अपने बहन भाइयों को खुद सुनाऊंगा कि मौसीकार कैसे अदा करता है, कैसे सिंगर को बताता है कि ऐसे गाओ, इसे ऐसे को, इस लफ्ज़ को चितके कहो, इस लफ्ज़ को ऐसे कहो। सर मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को खुद मैं सुनाऊंगा। जुल्फ़िकार जी, आपने तो मेरे लिए काम आसान कर दिया। मैं तो ये फरमाइश करने लगा था, बुरा न मानिए, आपका मकाम वहाँ नहीं है, यहाँ तशरीफ़ रखें। मैंने आपका बाजा साथ रखवा दिया है, हम भी देखते हैं कि कितना ज़्यादा मौसीकार अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। आइए तशरीफ़ रखिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो पहली फिल्म और वो कौन सा पहला गीत था जिसके साथ आप और मैडम का इश्तराक हुआ? वो थी वोटी का सवाल है, जिसका गाना आपने शायद सुना हो, यकीन सुना होगा। मेरी ज़िंदगी का पहला गाना था, 17 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त जब मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया। मेरे दिल के शीशे विच सजना पई सज दी तस्वीर थी। जी ये तालियां बजा रही हैं कि हम चाहेंगे कि और किसी गुरुकारा से ये गाना ना सुने, आपसे सुने कि आपने इसे कैसा बिठाया। मेरे नैन
पास अब एक पंजाबी फिल्मी गीतों का मेडले है जो आपके सामने पेश करने के लिए तशरीफ लाएंगी गुलशन जहां। गुलशन जहां तशरीफ लाइए। और जब तक गुलशन जहां आ रही हैं, मैं उनके तारुफ में दो एक जुमले आपके सामने कह दूं कि गुलशन जहां का ताल्लुक राजस्थान से है, तो एक खास किस्म का फोक अंग उनकी गायकी के अंदर आपको वाज़े तौर पर नजर आएगा। और गुलशन का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अगेन उसी अकीदत का मज़हर उनका नाम है। ये गालिबन गुलशन आरा होंगी जो मादाम की मोहब्बत में अब गुलशन जहाँ बन चुकी हैं। गुलशन जहाँ आइए, तशरीफ लाइए। ओवर टू यू पंजाबी मेडले। प्यार कहानी सावाच आया है तूफान।
कदे ना पछतांदी मैं
खबर होंदी तेरे वल चलदी ना हस हस अखियां लांदी कदे ना पछतांदी मैं हाय ना पछतांदी ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਹਾਰੇ ਸੱਜਣਾ।